मेरा नाम अमीक जामई है और हम लोग सामाजिक न्याय के विषयों पर देश भर में जो आंदोलन लड़ाई चल रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। मैं सबसे पहले SM न्यूज़ का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अजीम भारत बंद का कवरेज करने की जहमत आपने की। देखिए, आज का ये जो भारत बंद है ये बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि जो वजीर आजम ये कहता हो कि वो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के शागिर्द हैं, चेले हैं जी। मोदी साहब तो यही कहते हैं कि वो अंबेडकर साहब के चेले हैं, अंबेडकर साहब उनके गुरु हैं जी। आपने कैसा शिक्षा हासिल किया अपने गुरु से? आपने अपने गुरु से जो शिक्षा हासिल की, वो तालीम हासिल करके आपने हमारे दलित और जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे देश में जो सर्वहारा है, बहुजन है, उसका हाथ और पैर काटने का आपने ठेका ले लिया। मोदी साहब को ये जो आज पूरे देश में भारत बंद हुआ है, मोदी साहब को डरना चाहिए इससे, क्योंकि जब कमज़ोर हाशिए पर लोग जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जब वो खड़े होते हैं तो हुकूमतें का जो तख्त है वो हिल जाता है। SC ST एक्ट के बारे में जो के ख़िलाफ़ जो सरकार आगे जा रही है, मंशा उसकी साफ है कि अगर दलित समाज के लोग ब्राह्मणवाद और नागपुर के घुटनों में टेक कर रहना चाहते हैं तो उन्हें दलित प्रेम मंजूर है जी। लेकिन हम भारत के लोग, हम बाबा साहब के लोग, हम जो है भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां के लोग, हम सामाजिक न्याय के खिलाफ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेंगे जी। इसके लिए जो भी तरीके हमें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के मुताबिक जो हमें मिले हैं, आज भारत बंद हुआ है। सर, अभी आपने एक कहा था कि मोदी जी को इस आंदोलन से डरना चाहिए, लेकिन मोदी जी जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं, मैं सीधा सीधा नाम ले दूं, मोहन भागवत जी कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर ऐसी फोर्स खड़ी कर दूंगा कि जो फोर्स के पास हथियार नहीं है वो मैं फोर्स उन हथियारों के माध्यम से मैं 3 दिन के लिए 3 दिन में फोर्स इकट्ठी कर दूंगा। जो यहाँ की फोर्स है उन पर इनका भरोसा नहीं है, और आप कह रहे हैं मोदी जी को डरना चाहिए। देखिए, भागवत जी जो RSS जो संगठन है जी, जाहिर सी बात है कि वो संविधान विरोधी संगठन है जी। पूरा देश जानता है कि वो बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म करके जी वो मनुस्मृति का राज इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। भागवत जी से तो हम यही उम्मीद करते हैं जो कुछ उन्होंने कहा है जी। लेकिन जो भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं जी, वो ये जानते हैं कि इस देश में कोई भी निजी आर्मी, प्राइवेट आर्मी जो भी बनाएगा, किसी भी तरह का उग्रवाद, किसी भी तरह का अल्ट्रा, जिस तरह से RSS बात कर रहा है, वो भारत के लोगों को, जो संविधान की हिफाजत के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, वो उनको कबूल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत किसकी शह पे ये बात बोल रहा है? आपने मोदी जी का नाम, भागवत का नाम अलग अलग लिया है। मोदी जी कुछ नहीं है RSS के सामने, RSS का एक विंग है सर, देश के प्रधानमंत्री हैं। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत के खिलाफ मोदी जी ये काम नहीं कर सकते, ना करते हैं। मोहन भागवत जी का ब्राह्मणों, उच्च वर्ग के फेवर में एक आदेश गया होगा जी कि SC ST एक्ट से साहब हमारे अपर कास्ट लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, तो वो शख्स जिन्हें हम, हमारे वजीर आजम हैं जिनको हमने चुना है, जो ये कहते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चेले हैं, समझते हैं चेले जी, उन्होंने जो ये कांड किया है, जिस तरह से अदालत में जाके इन्होंने जो कुछ किया है जी, वो भारत के किसी भी शख्स को
जो बहुजन है, जो मूल निवासी हैं, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। जी सर, आप कह रहे हैं कि इन्होंने करा है, अनंत कुमार हेगड़े जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था हम तो संविधान को चेंज करने आए हैं और हम संविधान को चेंज करेंगे। देखिए, उनकी मंशा तो साफ है, आपको क्यों कन्फ्यूजन है कि भाजपा संविधान को बदलना नहीं चाहती है? आरएसएस भाजपा इसी काम के लिए आए हैं जी। उनका मसवदा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। सवाल ये है कि जो हमारे बहुजन समाज से हमारे समाज को बेच के, हमारे समाज के नाम पे जो लोग आरएसएस नागपुर मोहन भागवत के चरणों में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मोदी जी की आरएसएस की हिम्मत इसलिए आज हुई क्योंकि हमारे समाज के नाम से उनके यहां कुछ लोग हमारे समाज को बेचकर वहां बैठे हुए हैं और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए ये जो नए यंग टक्स हैं जो आज आए हैं यहां पर, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये जो बनी बनाई व्यवस्था है, चाहे वो एससी में है, ओबीसी में है, माइनॉरिटी में, एसटी में है, इस नाम पे जो ये लीडर्स ने जो मोहन भागवत के यहाँ अपना दीन और ईमान बेचा है, इनके परखच्चे उड़ाकर रोहित वेमुला के सपने को पूरा करने वाले लोग, बाबा साहब के सपने को पूरा करने वाले नौजवान आए और उन कुर्सी को, उन सत्ता पर कब्जा करके वो जो हमारी लड़ाई आज हम जिसके लिए खड़े हुए हैं, हम उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। सर, एक घाव ठीक नहीं होता, दूसरा घाव दे दिया जाता है, कभी मुस्लिमों पे, कभी दलितों पर, कभी बैकवर्ड पर, इनके निशाने पे यही दो तीन इस तरीके की कौम है जिनको बार बार झकझोरा जाता है, चाहे बेमूला कांड हो, सहारनपुर का कांड हो, गुना का कांड हो, कोरे काम का कांड हो। अब जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने 21 तारीख को जो दो जजिनों ने जो जजमेंट सुनाया है उससे पूरा भारत हिल चुका है और कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, बहुजनों को एक बात सीखनी पड़ेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक आपटा कांड हुआ जी, ओबीसी प्रधान के घर पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं ब्राह्मण समाज के गुंडों ने, दबंगों ने। आपको मैं बताऊं, बसपा के मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी, सपा के पांडे जी, पाठक जी, सर्वदलीय जो ब्राह्मण नेता थे, वो जो क्रिमिनल्स, गुंडे, हार्डकोर क्रिमिनल्स, मर्डरर थे, जिन्होंने हमारे ओबीसी समाज के ऊपर गोलंदाज गोलियां चला के मारने की कोशिश की, वो एक हो गए। ब्राह्मण महासभा का मीटिंग हुआ, लेकिन जब आज इतना बड़ा, हर हफ्ते एक घटना होती है, इस हर हफ्ते एक घटना होती है, हम देखते हैं वीडियो, आदि हो गए बेसिकली, हम लात खाने के आदि हो गए, हमारा बहुजन समाज। और ये जो हिंदू गर्दी हमारे समाज में फैलाई जा रही है, मुसलमानों में मुस्लिम गर्दी और बहुजन समाज में हिंदू गर्दी, जिस दिन इसके खिलाफ हम खड़े हो गए ना, आरएसएस का पॉलिटिकली इस देश में कांड है। सर, अभी कुछ लोग नारे लगा रहे थे और मैंने जगह जगह देखा कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, क्या दलित मुस्लिम एक हो सकता है? देखिए, दलित मुसलमान ये सिर्फ प्यारे प्यारे नारे देने से एकता नहीं बनेंगे जी। हमारे देश में लड़ाई, हम सिर्फ दलित मुस्लिम की क्यों बात कर रहे हैं, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, और जो हाशिए पर समाज के लोग हैं, जो 85% अपनी पॉपुलेशन को बनाते हैं, उनके उनमें जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, बाबा साहब ने ज़मीन के लिए कितने बड़े महाराष्ट्र में आंदोलन चलाए, हम तो जा रहे हैं, हम तो जो बुद्धिजीवी हैं, दानिश्वर हैं, बहुजन समाज के, उनसे हम बोलते हैं कि भैया ठीक है, हमने गाली दे दिया ऊपर वालों को, ये बताओ कि हमारे देश में करोड़ों करोड़ दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो ये जो
85% समाज में जो जिन चीज़ों से जो वंचित हैं मौके के मामले में, अब आपने डाइवर्सिटी के बारे में इस देश में नई से दोबारा से बहस शुरू हो रही है कि देश के संसाधनों में, प्राइवेट सेक्टर में, फिल्मों में, जिस तरह से अमेरिका में काले ब्लैक समाज के लोगों ने, जो ब्लैक माइनॉरिटी जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर, उन्होंने फिल्मों तक में रिजर्वेशन हासिल किया है, फिल्मों तक में, अमेरिका में फिल्मों में रिजर्वेशन लागू, काले गोरे का, जिसको वो अफर्मेटिव एक्शंस बोलते हैं जी। आप अगर हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, अगर उसमें कोई ब्लैक हीरो है, आप ये मत समझिए कि वो वैसे ही मिल गया है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर जब तक न्याय इस 85% समाज के लोगों को देश के चप्पे चप्पे में हिस्सा नहीं मिलता है, तो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोगों को एक सोच समझ के साथ इस रिश्ते को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लाठी तीनों को पड़ रही है, मारने वाला एक है, आपको पड़ रही है, आप कैसा मियां भाई मर रहे हैं, हमें क्या मतलब है जी, वही बात है। सहारनपुर में हो रहा है तो मियां भाई तमाशा देख रहे हैं जी। यादव जी को लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो पुजारी मुख्यमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश में 1900 इनकाउंटर हुए हैं, उसमें तादाद किसकी है? आप चले जाओ, 98% लोग हमारे SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, और हम व्यस्त हैं कि भाई साहब पाकिस्तान से कब घुसेंगे मोदी जी, मुसलमान सबसे बड़ा समस्या है, जिस मुसलमान से निपट जाएगा हमारा सब ठीक हो जाएगा, ये RSS के लोगों ने समझा रखा है जी, जी। तो हम सभी लोग अपने अपने समाज के बीच में जाकर जो वहाँ खेल चल रहा है उसको समझें, और ये मुस्लिम गर्दी हिंदू गर्दी छोड़कर जिस दिन हमारा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ वो अपनी सारी लड़ाई को जीत लेगा।